नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे क्लियर सेकेंड ईयर पैडागॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो हम टॉपिक रिलीजन के तौर पर कर रहे हैं उसी को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा रिलीजन टॉपिक है, हम कर रहे हैं पाठ्यक्रम निर्माण के 100 पाठ। पाठ्यक्रम निर्माण के 100 पाठ, पाठ्यक्रम निर्माण के 100 पाठ। यहाँ टॉपिक कर रहे हैं कि की रक्षा करने से लक्ष्य उद्देश्य को जाना, तो ये हमारा दोहरा है, यानी कि पुनरावृत्ति। रिवीजन के तौर पर हम टॉपिक को कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण के जो स्टेप्स है सौपान है, उस स्टेप्स के हमको इन इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और एक आदर्श पाठ्यक्रम का निर्माण करना होगा। इस बात को क्या तो पिछली कक्षा में लक्ष्य को जो सुझाना, आज हम जानेंगे अधिगम अनुभव का चयन, अधिगम अनुभव का चयन। अधिगम अनुभव के चयन के अंतर्गत हमको ये समझना होगा कि जब हम पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं तो हम किस तरह के अनुभव सीखने के संदर्भ में जो जरूरत है उनको हम शामिल करेंगे, ताकि बच्चों को बेहतर पाठ्यक्रम से हम जोड़ सके और उनके शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति कर सके। तो कौन कौन से जो अनुभव है सबसे ज्यादा है, शिक्षक विद्यालय जीवन के शिक्षक विद्यालय जीवन के अनुभव, यानी शिक्षक के विद्यालय जीवन के अनुभव। एक टीचर्स होता है, टीचर्स जिस स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ की परिस्थितियाँ उसके अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि उसके अनुभव को शामिल करना चाहिए कि वह विश्वविद्यालय से जब जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर शिक्षण कार्य उस पाठ्यक्रम को आकर्षक रूप में बच्चों की रुचि अनुसार करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा, इस बात पर ध्यान देना है। अगर हम देखें कि अगर शिक्षक को अनुभव को शामिल नहीं है, यानी कि शिक्षक जो चाहता है वह अगर पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, शिक्षण में काफ़ी बाधाएं आएगी, वो उससे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो ये सारी समस्याएं हो सकती है। इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक के जीवन के संदर्भ में जो अनुभव है उसको शामिल किया जाना जरूरी है, ताकि वो प्रभावी रूप से पाठ्यक्रम को पूर्ण कर पाए। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुभव, सीखने के संदर्भ में जो भी अनुभव होते हैं शिक्षण अधिगम, यानी कि सीखने के संदर्भ जो प्रोसेस होती है उस अनुभव को भी शामिल करना चाहिए। बच्चा कैसे सीखेगा, कौन से तरीकों को सीखेगा, किन मेथड का यूज करना है, ये सारी प्रोसेस हम देखेंगे कि हमारे जब शिक्षा नीति है जब से बनी है शिक्षण संबंधी जो भी विचार या नवाचार आए हैं इस संदर्भ में हमको समझना होगा कि इसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से एक कौन सा तरीके, जैसे कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, ये बहुत ही जरूरी है वर्तमान समय में या फ्यूचर में बच्चों को एक बेहतर भविष्य को निर्मित करनी चाहिए, तो ये सीखने के अनुभव शामिल करनी चाहिए कि बच्चे उससे कुछ सीखें। या हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ बच्चा जाने और समझे, जब तक हम सीखने के माध्यम से कुछ समझेंगे नहीं हमारा सीखना किसी काम का नहीं। समझने और सीखने के लिए भी क्या आवश्यक है, कई ऐसी बातें होती है जो
महान विद्वानों ने कही है या उनके अनुभव हो सकते हैं जो हमारे संदर्भ में जरूरी है, इन बातों को शामिल करना जरूरी है। हम देखेंगे सीखने ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो हमसे उसे रिलेटेड है उन प्रक्रिया को शामिल करेंगे। अगला है कक्षा का अधिगम कक्षा पक्ष के अधिगम हम क्लासरूम के एनवायरमेंट को दूर नहीं कर सकते बच्चों से। पाठ्यक्रम निर्धारण करने में इस बात का ध्यान है कि वो क्लासरूम उस अधिगम को पूर्ण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए पाठ्यक्रम में वे बातें शामिल की गई जो तकनीकी से संबंधित है या नवाचार संबंधित है और हमने एक ऐसा पाठ्यक्रम रख दिया जो बहुत ही मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है नवीनतम पाठ्यक्रम, लेकिन क्लासरूम उसके अकॉर्डिंग तैयार नहीं है तो हम देखेंगे ऐसे क्लासरूम तैयार नहीं है बच्चों के अधिगम में बाधाएं उत्पन्न होती है। इसलिए पाठ्यक्रम इस बात का, जैसे कंप्यूटर शिक्षण की बातें करते हैं तो कंप्यूटर क्लासेस स्कूल में होनी चाहिए तभी तो कंप्यूटर क्लासेस कंप्यूटर को सीखेंगे। साइंस की बातें करें तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग लैब्स होनी चाहिए तो हम उसको बात करेंगे। भाषा की बात करें तो भाषा जो लैंग्वेज लैब होती है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, इस संदर्भ में उसके अकॉर्डिंग क्लासरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। जब क्लासरूम रहेगा क्लासरूम के अधिगम को शामिल होंगे तब एक आदर्श पाठ्यक्रम हमारे सामने उपस्थित होगा और वो पाठ्यक्रम बच्चे के शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। इसलिए हम कहेंगे कक्षा का उसके अधिगम को शामिल करना है। अगला है रुचि संबंधी अधिगम रुचि टीचिंग में इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, यानी कि जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा क्रिएट हम शिक्षण नहीं कर पाएंगे, हमको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इंटरेस्ट से हम मोटिवेट रहते हैं और हमको किसी चीज को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, इसलिए बालकों की रुचि को शामिल करना जरूरी है। एक पाठ्यक्रम निर्धारण करते हैं तो पाठ्यक्रम आकर्षक प्रभावी हो इसके लिए इसकी लैंग्वेज होनी चाहिए, हो सके उसमें डायग्राम शामिल करिए, जैसे हिस्ट्री है ज्योग्राफिकल है तो मैथ्स, हिस्ट्री है तो राजा महाराजा हो या उनके संबंधित कुछ पिक्चर्स होनी चाहिए। तो हम कहेंगे रुचि सबके अधिगम होनी चाहिए। जिस पाठ्य पुस्तक की जो शुरुआत होती है जिसका जो फ्रंट होता है और अंदर के जो पेजेस होते हैं उस पेजेस में कुछ ना कुछ आकृतियाँ होती है या कुछ ना कुछ बना हुआ होता है तो हमको उसमें रुचि आती है। हम देखते हैं मैथ्स ज्यादातर लोगों को बहुत तकलीफ देता है या दिक्कत सामना करता है, लेकिन जब मैथ्स में जब ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं तो करने में इंटरेस्ट आता है क्योंकि ग्राफ्स के लिए हमको तरह तरह के वीडियो को बनाना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है, तो हम उसका जो पेज है उस पेज को देख कर बच्चे आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कोई भूगोल है, ठीक है, ज्योग्राफी ज्योग्राफी में मैप्स होते हैं, जब मैप्स हमको दिया जाता है तो मैप्स पढ़ने में हमको काफी इंटरेस्ट रुचि आती है। इसमें तो कहने का मतलब है कि इससे रुचि क्रिएट होती है, इसलिए पाठ्यक्रम में इस तरह की कुछ बातें हैं कुछ पॉइंट्स हैं इसको शामिल करना चाहिए ताकि यही रुचि बच्चों के अंदर जिज्ञासा रहेगी और शिक्षण जो है उसकी पूर्ति हो पाए। अगला है शिक्षण सूत्र संबंधी शिक्षण सूत्र संबंधी अधिगम अनुभव, शिक्षण के जो सूत्र यानी कि शिक्षण क्या कहता है सामान्य से जटिल की ओर जाना, यानी कि बच्चों को एक सामान्य ज्ञान की
छोड़ते हुए फिर जटिल नॉलेज जो पाठ्यक्रम लेना चलता है तो हम देखते हैं स्टडी के कुछ चैप्टर्स होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं लेकिन जैसे बच्चा अब पीछे के चैप्टर का थोड़ा टफ होते चले जाते हैं तो इस तरीके से शिक्षण शुद्ध शामिल करनी चाहिए प्लस लैंग्वेज आकर्षक होनी चाहिए एकदम प्रभावी होनी चाहिए और हम देखते हैं कि जब छोटी कक्षा होती है उसकी लैंग्वेज और बड़ी कक्षाओं की लैंग्वेज में काफी अंतर देखने को मिलता है इस तरीके से इस नियमों का पालन करना इस तरह के सूत्रों का पालन करना ये होगी पांच बातें छठी बात है अधिगम के नियम संबंधी अधिगम सीखने के संदर्भ में जो भी नियम है चाहे वो थॉर्नडाइक ने दिया है पावलोव ने दिया है स्किनर ने दिया है जिम प्याजे ने दिया है कॉलर ने दिया है बर्नबर्न ने वो सीखने के नियम उस नियमों में कुछ ना कुछ बातें हैं कुछ जानने मिलते हैं वो कुछ समझे चाहे वो जैसे कि स्किनर पावलोव के त्रुटि वाला सिद्धांत है कि बच्चा जब बार बार गलतियां करता है तो गलतियों में कमियां आती है तो इस तरीके से बच्चों को सिखाने के संदर्भ में हम जब कुछ पाठ्यक्रम होगा तो बच्चा उससे सुधर आएगा तो सीखेगा तो इस बातों को पाठ्यक्रम में शामिल करना है यानी कि जो नियम दिए रहेंगे उस नियम को अगर पाठ्यक्रम शामिल करेंगे तो बच्चों के शिक्षण की दृष्टि पूर्ति आसानी से हो पाएगी अगला है इसमें लास्ट अधिगम सिद्धांतों संबंधी अधिगम सिद्धांत सीखने के संदर्भ में जो भी सिद्धांत है प्रिंसिपल है उसको भी ध्यान रखना सिद्धांतों को शामिल करना चाहिए कि बच्चा कैसे सीखेगा क्या आवश्यक है किस तरीके से उसमें परिवर्तन आ सकता है शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति किस तरीके से होगी उसकी भविष्य के संदर्भ में शिक्षण किस तरीके से आवश्यक है तो ये सारे जो बातें हैं ये जो है जानकारी है ये पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए तो इस तरीके से हम देखेंगे अधिगम के सिद्धांतों को शामिल करने से पाठ्यक्रम के मूल उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है हम आपने हमें बीएड लेवल पे बहुत से सिद्धांत है उन सिद्धांतों को सीखा है तो ये सिद्धांत कहीं ना कहीं हमारे जीवन संबंध होते हैं हमारे अधिगम से संबंधित होते हैं हमारे एजुकेशन में बहुत ही काम आते हैं तो इन सिद्धांत इन प्रिंसिपलों का पालन पाठ्यक्रम के माध्यम से किया जा सकता है ताकि बच्चा एक अच्छे और आदर्श पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति कर सके और एक अच्छी जिंदगी और बढ़ सके इस तरीके से हमें जाना कि पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान के अंतर्गत अधिगम अनुभव को जब हम चयन करते हैं तो इस अधिगम अनुभव के माध्यम से हम बहुत से बातों को जानेंगे और पाठ्यक्रम में इसको शामिल करने से हम शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करें तो ये था हमारा पाठ्यक्रम निर्माण सोपान का सेकेंड स्टेप अगर हमने जाना लक्ष्य और उद्देश्य तो ये हमारा सेकेंड था अधिगम अनुभव का चयन तो इस तरीके से हमने टॉपिक समझा तो इसके संदर्भ में आपको असाइनमेंट है पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान के अंतर्गत अधिगम अनुभव तो आज हमने क्लास में जो जाना कि जब पाठ्य
पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, पाठ्यक्रम के निर्माण के जो स्टेप्स है, तो उसका जो सेकंड स्टेप है यानी कि अधिगम अनुभव का चयन, इसमें किन किन बातों को शामिल करना है, चाहे वो शिक्षक के विद्यालय जीवन के अनुभव हो, रुचि संबंधी अनुभव हो, शिक्षण के शिक्षा सूत्र संबंधी अनुभव हो, इसके जो नियम है अधिगम के नियम उसके सूत्र हो या फिर सिद्धांत हो, इन सब बातों को हमने आज जाना। तो इसी के संदर्भ में आप लोगों को अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट आपको पता है कोरोना समय चल रहा है, इसमें आपको सावधानी सतर्क रखनी है, मुंह घर से बाहर निकले तो मास्क का उपयोग करें और मास्क ही हमारे लिए अति आवश्यक है। जितना मास्क सभी लोग पहनेंगे उतना ही इस बीमारी के हम सर्कल को तोड़ सकते हैं। इसलिए जो लोग इस सावधानी का पालन नहीं कर रहे हैं, सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे, उनको बताइए कि मास्क पहनिए, दूसरों से दूरी बनाए रखिए, भीड़ भाड़ वाले जगह में जाने से बचिए, अत्यधिक भीड़ ना करिए। अगर हम जितना जल्दी इतनी सावधानी का पालन करेंगे तो हम जल्दी इस जो परिस्थितियों उत्पन्न हुई उस परिस्थितियों से बाहर आएंगे। धन्यवाद।